हेलो फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रूट में एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स प्लस रूट में वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 13/6, 13/6। तो मान लेते हैं एक्स डिवाइड बाई 1/x इक्वल टू मान लेते हैं m है, ठीक। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, रूट में m हो जाएगा, प्लस ये आप देख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट है, यानी ये हो जाएगा 1/m रूट में इक्वल टू 13/6। तो रूट में a बाई बी है तो इसको लिखा जा सकता है रूट में a डिवाइड बाई रूट में b, रूट में 1 बराबर 1। तो इसका मतलब हुआ ये रूट में m प्लस बाई रूट में m इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट एम इंटू रूट एम का मल्टीप्लाई होगा तो एम हो जाएगा, प्लस इधर 1 है 1 का 1 डिवाइड बाई रूट में एम इक्वल टू 13/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m+6 इक्वल टू 13 रूट में एम। अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 6m+6 का होल स्क्वायर और इस साइड 13 रूट में एम का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे 6m का मतलब 36m² + 36 + 2ab, 2 × 12 = 72, 72m इक्वल टू 169 रूट एम का स्क्वायर मतलब m। अब क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लाते हैं तो 36m² - 72 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 और ये 9 × 7 = 16, यानी 96 - 96m + 36 इस साइड लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे किया जा सकता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में 36 × 36, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 4 × 9 × 4, ये 9 और 9 एक साथ ले 4 और 4 एक साथ ले, तो क्या हो गया 81 × 16 आएगा तो उतना ही, और दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, योग इसके बराबर होना चाहिए, तो 6 × 1 = 7, 8 × 1 = 9 है, तो ऐसा कर सकते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, 36m², फिर क्या था, 36m² - 97m + 36 = 0। तो इसको लिख सकते हैं 36m² - 81m और -16m, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर, यह है फैक्टर। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं,
दो का मान ले सकते हैं 18, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 m का मान ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4m-9, यहाँ क्या वो कॉमन हो जाएगा 4-4 का मान, ठीक, तो क्या बचा 4m-9 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है 4m-9 बचा क्या 9m-4 इक्वल टू 0, या ये टर्म 0 या ये टर्म 0, इसका मतलब m बराबर आएगा 9/4 या m बराबर 4/9, ठीक। अब क्या करते हैं, अब जो हम माने थे उस वैल्यू को रख देते हैं, m बराबर क्या माने थे, x बराबर x बाई 1-x इक्वल टू 9/4 अगर करें तो 4x इक्वल टू 9-9x, 13x इक्वल टू 9, या x बराबर 9/13, एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर x डिवाइड बाई 1-x इक्वल टू कितना है 4/9, तो 9x इक्वल टू 4-4x, 13x इक्वल टू 4 या x बराबर 4/13, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसको m मान लिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद लास्ट में आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ एग्जाम ओके, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ओके बाय।